सबसे पहले कावड़ कौन लेकर आया था? सबसे पहले पूरे नेशनल हाईवे 58 का क्या माहौल है? माहौल तो पूरा जाम होगा चल रहा है इस टाइम, बस मामला एकदम जोर चल रहा है। मेरे साथ एक छोटा भोला है, नाम है उनका हनी, और चलिए उनसे ही जानते हैं कि वो कावड़ लेकर आए हैं और कैसा वो महसूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले, अच्छा कहाँ के रहने वाले हो? मोदी नगर गाजियाबाद। अच्छा ये बता दीजिए आपकी उम्र कितनी है? नौ साल के हैं। अच्छा ये बताइए, आप जल लेकर आ रहे हो तो किसने कहा आपसे जल लाने के लिए? सीना बिना मेरी मर्जी, हमारी खुद की मर्जी। अच्छा अपनी मर्जी से जल लेकर आ रहे हो। अच्छा ये बताओ, ये पैरों में क्या हो गया आपके? ये दवाई लगाई थी छल्लों की दवाई। अच्छा पैरों में छाले पड़ गए, देखो इस भाई के छाले, देखो 9 वर्ष की उम्र है और ये छाले पड़े हुए हैं, और अभी तो आपकी मंजिल काफी दूर है। यस पहुंच जाएंगे राम राम। तो कैसे कैसे जाओगे? कल दोपहर तक हम पहुंच जाएंगे। कल दोपहर तक पहुंच जाओगे, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, भगवान भोलेनाथ से क्या मांगा आपने? अभी तक कुछ नहीं मांगा, जल चढ़ा के मांगेंगे। अच्छा जल चढ़ाओगे उसके बाद भगवान शिव से मांगोगे, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए आपसे ही बात कर लेते हैं, आप बताइए कितने दिन से यात्रा कर रहे हैं आप? 14 साल से। 14 साल से आप कावड़? 14 साल हो गए। अच्छा तो एक दिन में कितने किलोमीटर चलते हो? एक दिन में 35-40 किलोमीटर दूर चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, एक दिन में 35-40 किलोमीटर पैदल चलना। तो इस बार जो है मौसम कैसा रहा? मौसम जैसा भी था ऊपर वाले की दुआ से सही था, मतलब बारिश तो हुई नहीं है इस बार, तो गर्मी बहुत थी। गर्मी ज्यादा थी। तो आप कल पहुँचाओगे घर? हाँ जी, कल दोपहर तक पहुँच जाएंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मनीष शर्मा। मनीष शर्मा कहाँ के रहने वाले हो? गाजियाबाद। अच्छा कितने सालों से आप कावड़ लेकर आ रहे हो? मेरा पहली बार है इस टाइम, पहली बार। पहली बार, तो पहली बार कावड़ लाने के लिए आपने क्या क्या तैयारियां की हैं ये बता दीजिए। तैयारी में ऐसा तो कुछ नहीं पता था कि तैयारी इसमें क्या होती है, मैं ऐसे ही मतलब दोस्त ने बोला था मैं आ गया यहाँ पे। दोस्त ने बोला था तो आप आ गए। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कावड़ लाने के कुछ नियम होते हैं, कुछ बातें होती है जिनका ध्यान रखना जरूरी होता है, तो बता दीजिए क्या क्या। पिट्ठू और कावर में दोनों में अलग अंतर होता है, मतलब यानी जो झूला वाली कावर होती है पिट्ठू कावर होती है, इनमें दोनों में अंतर है। कुछ जैसे अंतर है इसमें, खाना खाने के बाद और सोने के बाद कुछ नियम है कि नहाना ही पड़ता है इसके अंदर। अच्छा। और बाद बाकी कुछ और भी बहुत से नियम है, मैं वो कुछ नहीं बताती, इस बार फर्स्ट टाइम है, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस मिला पहली बार माने में। जब पहली बार आपने यात्रा करी है तो हरिद्वार से लेकर और आपकी मंजिल तक कैसा माहौल है सड़कों का, पूरे नेशनल हाईवे 58 का क्या माहौल है? माहौल तो पूरा जाम होगा चल रहा है इस टाइम, बस मामला एकदम जोर चल रहा है, मतलब पूरा का पूरा भगवा हो रखा है इस टाइम, तो बढ़िया चल रहा है, भगवा हो रखा है। हाँ जी। तो यात्रा में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं यात्रा में कोई परेशानी नहीं, सब बढ़िया है, व्यवस्था सब अच्छी कर रखी है गवर्नमेंट ने। एक दिन में कितने किलोमीटर चल जाते हो? हम 45-40 किलोमीटर चल रहा हूँ डेली। उसके बाद रात में विश्राम करते हो या फिर दिन में? मैं दिन में विश्राम करता हूँ, रात में चलता हूँ। अच्छा तो भगवान शिव के जब जल चढ़ाओगे तो कैसे कैसे, मतलब क्या तरीका रहेगा आपका? अभी तो ऐसा कुछ जानकारी नहीं है, वो तो सब पता चल जाएगा जब जाएंगे इस बार, तो जब जल चढ़ाते हैं वो तो सब नॉर्मल ही है। अच्छा मतलब अभी आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, जितनी है श्रद्धा तो पूरी है ना? हाँ जी बिल्कुल, श्रद्धा से आए हैं, बिना श्रद्धा के कौन आता है? श्रद्धा होनी चाहिए, बाकी तो सब भोलेनाथ भोले है, सब कुछ अच्छा करेंगे, सबकी इच्छाएं पूरी करेंगे। बम बोले ठीक है। तो ये हमारे साथ बोले थे, पहली बार ये जल लेकर जा रहे हैं, अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं, बहुत सारी बातें इन्हें नहीं पता, लेकिन इनका कहना है कि मेरे अंदर श्रद्धा है और श्रद्धा है तो सब कुछ अच्छा होगा, भगवान भोलेनाथ सबकी इच्छाएं पूरी करेंगे। चलिए मेरे साथ एक और भोले मौजूद हैं और उनके कंधे पर है भगवान शिव विराजमान है, तो वो भगवान शिव को यात्रा अपने साथ साथ करा रहे हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर ललित है। ललित कहाँ से आ रहे हो? जी मोदी नगर कादराबाद से आ रहे हैं हम। अच्छा आपने भगवान शिव को अपने कंधे पर उठा रखा है, उनको यात्रा करवा रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा कितने सालों से आप कावड़ लेकर आ रहे हो? करीब करीब ये मेरी पांचवी कावड़ है सर। पांचवी कावड़, हर बार ऐसे ही लाते हो या कुछ अलग करते हो हर बार? आपका नहीं, पिछली चार तो मैं अपने दोस्तों के साथ लाया था, उनके साथ जोड़ा कर लिया, अब ये मैं ये सोच कर लाया हूँ ये वाली कावड़ कि मैं अपने दोस्तों से हट के कावड़ लेकर आऊँ। अच्छा मतलब अपने दोस्तों से हटकर कावड़ लाने के लिए आपने भगवान शिव को अपने कंधे पर बिठा रखा है। अच्छा ये बताइए कि एक दिन में कितने किलोमीटर की यात्रा आप कर रहे हैं? करीब करीब 10 भी हो जाता है, 15 भी हो जाता है, 15
15-20 के हेरफेर हो जाता है। अच्छा ये बताइए कि सबसे पहले कावड़ कौन लेकर आया था? सबसे पहले बताइए। अच्छा कावड़ क्यों लाई जाती है? ये तो बोले नहीं पता मेरे को। अच्छा ये नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, शिवरात्रि नज़दीक है तो और आपकी मंजिल भी नज़दीक है तो कैसा लग रहा है? हमको वो सर बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली शिवरात्रि पे भी गए थे हम अपने यार दोस्तों के साथ, और अब कभी देखते हैं जाके, अगर ठीक चल रहा तो जाएंगे, अगर यार दोस्तों के साथ गया तो उसके साथ भी जाएंगे, अगर नहीं गया तो इमला भी जाके देख लेंगे। तो ये बताइए कि जल अभिषेक हो जाने के बाद भगवान शिव की इस मूर्ति का आप क्या करेंगे?